शोला है इश्क बुझाना भी नहीं चाहता है वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता है। यूं तो कहता है कि मैं कैद से नहीं डरता, हाँ मगर जेल में जाना भी नहीं चाहता है। पर रोज कहता हूँ काम पर जाऊं, रोज के बाद भूल जाता हूँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, गैस ना आने से हर कोई तंग है। भाई बातें हो गई हैं बड़ी, अब तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। मजाक रात को देखने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? छोटो माशाल्लाह, तो तुसी आरफ लोहार दे मैनेजर लग रहे हैं। आज आप भी अच्छे लग रहे हैं, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है? ये मेरे मामू ने मुझे लेके दी है। प्यारा लग रहा हूँ? हाँ जी, थोड़ी कहा था ना एक दिन मैं तुम्हें प्यारा लगूंगा। आज आपको प्यारा हो रहा है ना? हाँ जी, प्यारा हो रहा। अच्छा माशाल्लाह, ये हिब्बा ना मसलन उर्दू ज्यादा बोल दी, इंग्लिश भी बोल लेंदी कदी कदी, मसलन पढ़ी लिखी है ना, ते जियां कुड़ियां भी नखरे कर दिया डॉक्टर को जाके, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा था? मैंने पिज्जा बर्गर शवारमा, वो कहंदा फेसबुक नहीं सही दस, मैं जी सा खादा है। एक्सक्यूज मी, यादगार जाने कितने पैसे? वो कहना जी 200 रुपया, और हूं अजे तो 60 रुपये दे के। इस तरह मेरी कुड़ी ना अपनी सहेलियां ना गल्लां कर रही थी उर्दू से, एकदम पंजाबी जा जाती है। तो मैं अपने मामू उसके घर गई तो मैंने दरवाजा खोला के सांप बैठा, सांप को देख के मेरा त्राह ही निकल गया। जिन्नी मर्जी इंग्लिश बोल, जो कुत्ता पै जाए उदों पंजाबी जरूर बोल दिया। किस तरह कुत्ता पै जाए तो जरूर मर गई। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, लेकिन साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली भी हैं। आप सब की तालियों में जनाब मीर दोस्त मोहम्मद मजारी। साहब के साथ दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, आप सबकी तालियों मोहतरमा किंजा हाशमी। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। आज दोनों ही मेहमान माशाल्लाह यंग और खूबसूरत। एक शेर में लाया हूं आपके लिए सर। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक के हर दर्द मिटा दें, कुछ और भी हैं टैक्स जो लगाने के लिए। बगते दरिया पिछा नूं मोड़ दिओ, आसमान तो तारे तोड़ दिओ। बगते दरिया पिछा नूं मोड़ दिओ, आसमान तो तारे तोड़ दिओ। या ते महंगाई घट कर दिओ जनाबे स्पीकर, या खान साहब अगे हाथ ही जोड़ दिओ। मेरा शेर तो आज किंजा जी के लिए। अच्छा जी। इश्क के ख्याल बहुत हैं, इश्क के चर्चे बड़े हैं। इश्क़ के ख्याल बहुत हैं, इश्क़ के चर्चे बड़े हैं, सोचता हूँ मैं भी कर लूँ पर सुना है खर्चे बड़े हैं। जी मुजारी साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं? ठीक ठाक। ऑल गुड। असेंबली के सेशन सही चल रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक बहुत ही यंग एमपी हैं और आप साथ ही डिप्टी स्पीकर भी बन गए हैं, और बाहुबली जी तुसी काम भी बहुत अच्छा कीता। अरे बाहुबली का कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, मॉडरेशन है लंबे बाल, मतलब ये एक स्टाइल का हिस्सा भी होता है। तुम तो सीधा ना फिल्मों पहुंच जाते हो सर। असली तो जेड़े भी स्पीकर देखो एडी से दोनों के, यही तो एग्जैक्टली चेंज है कि ये बिल्कुल और टाइप के स्पीकर हैं। सर तो मुझे ये बताएं कि इतने यंग जब आप हैं और आपके सामने बाकी आते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो कि बहुत से आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, जिनको आप वैसे शायद अंकल भी कहते हो जब बाहर मिलते हो,
तो हाउ डज इट फील जब आप उनको धमकी देते होंगे कि मैं आपका माइक बंद कर दूंगा? सर मेरे लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं पहले एमएनए भी रह चुका हूं, बिल्कुल, आई हैव बीन अ फेडरल मिनिस्टर, एग्जैक्टली, बट आई एम रियली एंजॉयिंग इट. फॉर मी आई एम कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एग्जैक्टली, और कस्टोडियन ऑफ हाउस उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है एंड इट शुड बी इंपार्शियल. I try to be impartial. No, but does it become awkward at times? You know, because someone like who's like, you know, maybe in his 70s and no. वो कुछ कह रहे हैं और आप अब समझाना चाह रहे हैं उनको कि सर वो जो अमूमन होता है कि स्पीकर कह रहे होते हैं कि चुप कर जाएं. मैंने रिलैक्सेंट की गोली लेकर जाता हूं खा के. अच्छा आओ तुसी क्या कि आवाम नु इस तरह बड़े हों जी बन के सुनो जी बस असी नहीं मगर ये एक बड़ी बात है क्योंकि बड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है. आपने शो देखा हुआ है इससे पहले? जी बिल्कुल. और आपकी क्या राय है शो के बारे में? मैं अपने बारे में तो पूछता अच्छा नहीं तो इसलिए शो के बारे में ही बताइए मुझे. आने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा था. क्यों डर लग रहा था? क्यों गर्म पानी पा देने? नहीं नहीं इस बात पे नहीं लग रहा था मुझे, इस बात से लग रहा था कि आप लोग बहुत जुगते लगाते हैं और ये जुगते वाले हम तो प्यार के पैकर हैं. हम तो प्यार करने वाले हैं. बिल्कुल. एक घंटा आप मेरी सुन ले फिर सारी जिंदगी मैंने आपकी सुननी है. सुना दें आप अपनी. तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, प्यार मोहब्बत की अच्छी है, खूबसूरत है, शादी भी नहीं हुई उनकी माशाल्लाह. आपको कैसे पता? मैं उन्होंने गली की फ्रूट भेजता हूँ. ये क्या सच कह रहे हैं? शादी नहीं हुई भी, ये तो सच है. मेरी भी नहीं हुई माशाल्लाह. तुसी आपस में गल्ला कर लो स्पीकर साहब, वो असि वाल कटा आइए. आपने माशाल्लाह इतने फैसले किए हैं तो आप कोई एक फैसला कर दें. अच्छी तो है ही माशाल्लाह, स्टार भी है, आपके बच्चे भी होंगे. मुझे एक बात बताएं दोस्त, अब आजकल पीटीआई की हुकूमत है और ये जो भी टैक्सेस और महंगाई हुई है और बहुत सा क्रिटिसिज्म हो रहा है इवन फ्रॉम द पब्लिक टू द मीडिया, और आप तो जहाँ बैठते हैं वहां तो आपको अपोजिशन डायरेक्ट सामने ही सुनने को मिलता है, तो कैसे कवर करते हैं इस चीज़ में? पार्शल हूँ तो सुनना पड़ता है, मगर कोई दिल में तकलीफ हल्की सी हो रही होती है कि यार एमपी है तो मैं पीटीआई का ही हूँ आखिर में. लेकिन बात ये है ना कि किधर पहुंच गई और क्रूड ऑयल किधर पहुंच गई और इंटरनेशनली एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है. जो आम क्रिटिसिज्म आप पे सबसे जो कॉमन है वो ये होता है कि आप लोग पहले कहते थे कि जी हम कर लेंगे कंट्रोल और अब अपनी बारी है, बेहतर बेहतर हो जाएंगे हालात. आपको भी लगता है कि बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज़ इमरान खान इज वेरी कमिटेड एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट. बी तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, आगे इंशाल्लाह एक दो साल में हालात बेहतर. इस तरह हुकूमत माशाल्लाह काम कर रही ना, एक दिन आएगा पाकिस्तानी दी सारी दुनिया जो हुकूमत होएगी, सारी कौमों ने तरक्की करके चंद ते चल जाना, सी कल्ले ने खजल हो रहे होना. गुजरात साहब से मुलाकात होती है आपकी? जी बिल्कुल. असेंबली आते हैं वो? बहुत कम. जब आते हैं तो कभी आपसे कहा है कि सर मेरा जरा माइक खुलवा दीजिए मैंने कुछ कहना है? नहीं, जिस दिन आए थे मैंने चेयर नहीं कर रहा था. आप चेयर नहीं करते, मगर आपने उनको देखा बोलते हुए असेंबली में? जी बिल्कुल देखा बोलते हुए. क्या कहा उन्होंने सलाम के अलावा? बहुत सी बातें करते हैं. मैं हल्के के बारे में डिस्कस करता हूँ, वो अपने मामलात के बारे में डिस्कस करते हैं. ही इज अ वेरी हम्बल मैन. नहीं नहीं, ही इज अ हम्बल मैन बट ही डजंट स्पीक मच, ही डजंट टॉक मच. जरूरी थोड़ी कि ज्यादा बात करनी चाहिए. नहीं मगर कभी तो आवाज आए. वो बहुत मेरे ख्याल कम गुफ्तगू करते हैं. अच्छा तुम समझो मैं बुजार साहब आते तुम मेनू सलाम लेना थे, उन्होंने इन्हीं की गल कर देने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम कायम अली शाह की नहीं है बात हो रही. गुजार साहब ही इंजन लगे हो तो देखो तुम ले एवी. वैसे आपको पता था कि आपके साथ पॉलिटिशियन है आज शो में? जी मुझे पता था. और आपकी इससे पहले मुलाकात तो नहीं हुई होगी इनसे? पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई है? नहीं. वोट डालती हैं आप? डालना था इस बार लेकिन. तो क्या हुआ, सोती रह गई? नहीं, मेरी फ्लाइट थी कनाडा की तो फिर मैं ओए ओए. और लेकिन मेरी फैमिली ने डाला. आपकी फैमिली ने डाला? और आपकी फैमिली ने जिनको डाला वो जीते या हारे? पीटीआई को ही डाला. ओए ओए, कराची के अंदर? नहीं लाहौर में. अच्छा लाहौर में पीटीआई को डाला और पीटीआई वाले जीत भी गए? हाँ. तो फिर तो यानी कि आप सर आपकी पार्टी की वोटर. जी. कोई आपको गिला शिकवा हो अगर इनसे? गिला तो है लेकिन आज ही सोच रही थी कि मैं ना गोल्ड खरीद लूं, तो लास्ट जो मैंने छोड़ी थी अमाउंट वो थी 68 समथिंग. अच्छा. तो आज मैंने सर्च किया कि कितने का है तोला, तो वो था 71,400. ठीक है. तो मुझे ये ख्याल नहीं आया कि वो कितना महंगा हो गया, मुझे ये ख्याल आया कि मैं जल्दी से ले लूं, अभी इससे भी महंगा होने वाला है. अच्छा. बस भाई कर डाकू आ गए, कहंदे सोना किथे, कहंदे तू उत्ते सो जा मैं थले सोना. अखियों नी बदनाम ना करना, साबित कोई इल्जाम ना करना, पावे आटा चावल लपण मुफ्त किते परफॉर्म ना करना, फेसबुक ते बैठे रहना, एक पल भी आराम ना करना. Yeah.
आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, अनवांटेड चीजें आपको बोली जा रही हो तो आपको कैसे बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? मेरे दोनों भाई बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग है दोबारा कहिएगा उसी मैंने बुजुर्ग क्या चल गई हुकूमत।